बहुत ही पास है तो हम पैदल जा रहे हैं। ओहो जल्दी जल्दी में हम आपको बताना भूल गए, हम जा रहे टपकेश्वर मंदिर। इतनी सारी भीड़ क्यों है पता है आपको? क्योंकि कल है महाशिवरात्रि। As water droplets continuously drops on the shivling, hence it was named as Tapkeshwar. यहाँ पर बहुत ही बड़ा और सफेद मेला लगता है। An extravagant mela takes place on the day of Shivratri. You see the giant wheel behind me? आपको घर से कुछ भी पूजा के सामान लाने की जरूरत ही नहीं है। Tapkeshwar is also famous for being the birthplace of Guru Dronacharya, according to the great epic of Mahabharat. अगर आप चाहते हैं तो आप सीढ़ी से भी जा सकते हैं टपकेश्वर मंदिर, पर अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप यहीं से जाएं। It is known to have one of the oldest shivling in the cave. Tapkeshwar Mahadev is located at 6.5 kilometers from Dehradun city. यहाँ पर अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। समय निकालकर यहाँ पर आए ताकि आप सबके दर्शन कर सकें। ऐसी मान्यता है कि अगर आप नंदी के कान में कुछ बोलेंगे विश, तो वो मैसेज भगवान तक पहुँचा देंगे। वैसे तो आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं, पर मुझे ये वाला रास्ता पसंद आया। ये गुरु द्रोण की प्रतिमा है। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ आदिकाल में यहाँ देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवेश्वर के रूप में उन्हें न सिर्फ दर्शन देते थे बल्कि उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते थे। ये है टपकेश्वर मंदिर का मेन पार्ट। यहाँ पूजा अर्चना करने का सही दिन है सोमवार, और हम तो माँ शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं। महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि आचार्य द्रोण को इसी स्थान पर भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हुई।
देखकर मैं डर गया। आशा है आपको मेरे साथ टपेश्वर महादेव के दर्शन करके मजा आया होगा। इफ यू आर इन दून, दिस प्लेस इज अ